أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد। इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब सैयद बेहजत अब्बास रिज़वी के पास और माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। इसी नाम से जो है इनका यूट्यूब चैनल भी है, सैयद बेहजत अब्बास रिज़वी के नाम से, और माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी वीडियोस भी अपलोड करी हुई हैं, तो आप सब जाके देख सकते हैं। अच्छा बेहजत, मैंने आपको माशाल्लाह मुख्तलिफ जगह पर देखा है, बहुत प्यारी आवाज़ है, तो ये आपने रियाजत कहाँ से सीखी है माशाल्लाह? सीखने का जो है वो शुरू से ही सबको, जो हमारे ख़ानदान में सभी सोच खानी पढ़ते हैं, मेरे दादा सैयद फ़ायर हुसैन रिज़वी माशाल्लाह, तो शुरू से ही उनको देखता आ रहा हूँ। तो जब उनको देखा तो सभी पढ़ रहे थे, तो फिर पढ़ने का शौक़ हो गया, फिर स्टार्ट कर दिया पढ़ना भी, छोटी मोटा पढ़ना पढ़ने से माशाल्लाह। अच्छा बेहजत, ये आप कौन से साहिब व्यास से आप मुतासिर हैं? मुतासिर जब पढ़ना शुरू किया उस वक्त तो मुतासिर सिर्फ मेरे दादा सैयद फ़ायर हुसैन रिज़वी ने ही किया, क्योंकि उन्हीं को सुना तो पढ़ना शुरू किया। क्या बात, अभी अगर मैं किसी को सुनता हूँ और उसको देख के समझता हूँ तो वो मीर हसन मीर साहब हैं, जिनको मैं देखता हूँ और समझता हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। और तो कुछ एक कलाम के दो मिसरे अगर आप पढ़ रहे हैं सुनाता हूँ। अब्बास का एक मनकबत है, वो सुनाता हूँ। अली का शेर ले जाता, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, अगर तलवार दरिया पर, वाह 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 सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, अली का शेर ले जाता अगर तलवार दरिया पर, क्या कहें माशाल्लाह, तो करता एक को दो और दो को चार दरिया पर, अली का शेर ले जाता, बहुत खूबसूरत अंदाज माशाल्लाह, अगर तलवार दरिया पर, इजाजत जंग की मिलती जो सकाए सकीना को, इजाजत जंग की मिलती जो सकाए सकीना को, तो लाशों के नजर आते गई अंबार दरिया, शेर ले जाता अगर तलवार दरिया पर, वाह वाह क्या कहने भाई। तो बेहतर, अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और आगे क्या सोच रहे हैं, क्या बनना है आपको? अभी मैट्रिक के एग्जाम्स दिए हैं और फर्स्ट ईयर में अभी आया हूँ। आगे यही सोचा है कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ने का ही सोचा है मैंने अभी तो फिलहाल। अच्छा माशाल्लाह, आगे देखते हैं जब स्टार्ट होगा। अच्छा ये बताइए बेहजत, आपके इंटरेस्ट आपको ज़्यादा, आपकी जो हॉबीज़ हैं वो क्या हैं आजकल? हॉबीज़ मुझे शुरू से बस वो फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, तो वही मैंने शुरू से खेला, अभी तक खेलना यही एक हॉबी है, कुछ खास हॉबी नहीं है। अच्छा, और तो आपके चैनल पे इस वक्त कितनी वीडियोज़ अपलोड हैं? ये चैनल मैंने, मेरे अब्बू ने बनाया था ये चैनल कोई 7 से 8 साल पहले, जिस वक्त मैंने पढ़ना शुरू किया था, सब वो मेरी वीडियोस और जो हमारे खानदान में इतनी सोच खानी की वीडियोस होती थी वो उस पर अपलोड करते थे। तो जब मैं थोड़ा ऐसे 6, 7 या 8 में आया तो मुझे एडिटिंग का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ गया कि बस एडिटिंग करनी, तो फिर उस चैनल का नाम चेंज करके वो मैंने बेहजत अब्बास रख दिया, फिर उस पर मैं वीडियो डालना शुरू हो गया। अभी कोई तकरीबन उस पर कोई 25-30 वीडियोस तो होंगी। अच्छा जबरदस्त माशाल्लाह, बस वो जहाँ भी कहीं पढ़ता हूँ तो उसकी वीडियो डाल देता हूँ। अच्छा भैया बताइए कि जाहिर बात है, जाहिर सी बात है, मीर हसन भी आपके आइडियल हैं और दूसरे भी माशाल्लाह नवा खान हैं, तो ये बताएं कि जो अब जो टीन एजेस में आ रहे हैं नवा खान, तो उनमें कोई आप क्या समझते हैं कि हाँ यार ये अच्छा टीन एजेस में भी बहुत नवा खान, मनकबत खान अभी आए हैं, जैसे एक अमजद बल्तिस्तानी जिन्होंने जानम फिदा हैदरी बहुत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा, और अल्लाह ने उनको इतनी
इज्जत दी उस कलाम से। तो बस यही है, टीनेजर्स में मुझे एक यही पसंद है, और एक हैं हैदराबाद के यूसुफ शेख, यूसुफ उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, जिनको मैं बहुत सुनता हूँ, उनके कलाम भी पढ़ता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, नहीं यूसुफ शेख तो बहुत, यूसुफ शेख बहुत अच्छे ना, अच्छा नौ खां, मनकबत खां, नाथ खां, हैदराबाद के बड़ा नाम है। तो अपनी आवाज़ में आज वो कोई नोहा या कोई सलाम के दो चार में से सज्जाद का एक सलाम, सलाम सलाम सजाद को बेमौत ये सजाद को बेमौत ये गमार गया है बेपर्दा हरम साथ है, बेपर्दा हरम साथ हैं, और शाम चला है, हाय ऐशम किस पे तू बरसाता है कोड़े, आबिद तो बड़ी देर से बेहोश पड़ा है, है सजाद को बेमौत ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, जब मैंने अदनान भाई के घर पे आपको लास्ट याद हो शायद, आपने बहुत खूबसूरत कलाम एक पढ़ा था कि ये है शेम, अगर वो आप पता कर दें किए हैं शिमर ने दो एक खंजर से किए हैं शिमर ने लहू हुसैन का पोंछा, बहन की चादर से किए हैं शिमर ने दो कत्ल, एक खंजर से गरीब ज़हरा वहीं रोते रोते मर जाता,
जो लाश अकबर से बहन उठा के नालाती, जो लाश अकबर से किए हैं शिमर ने दो कत्ल एक खंजर से किए हैं शिमर ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब इज्जत माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़। हमारी दुआ है कि मौला आपको और बुलंदियों पर लेके जाए। इसके साथ ही इंशाल्लाह ये कि बैजत भाई ने हमारे लिए टाइम निकाला है, आपका शुक्रगुजार है। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, उसके लिए भी आपने टाइम निकालना है। ठीक है ठीक है, जज़ाक अल्लाह खैर। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।